बीमारू राज्य है। उत्तर प्रदेश का विकास एक सपना सा लगता था, लेकिन 2017 के बाद आज उत्तर प्रदेश विकास दस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की ओर से यहाँ जनता की ओर से हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय जवाहर। बहुत बहुत कृपा पूर्वक मेरे गांव में आकर के इस कार्यक्रम में शरीक होकर के और इस गांव को ऊर्जा देने का काम किया है, हम सबको ऊर्जा देने का काम किया है, इसके लिए आदरणीय बड़े भाई के शर्मा जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बड़े विद्युत केंद्र की आवश्यकता देखी गई, आग्रह जल्दी से इसकी प्रक्रिया पूरी करके आज 132 केवीए का ये जो पावर हाउस बनने वाला है उसका शिलान्यास किया गया। ये पावर हाउस लगभग एक वर्ष के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा और उसके चलते यहाँ के हरिचंदपुर और आसपास के कई गांवों की विद्युत व्यवस्था जो पहले थोड़ी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी, अधिभारित हो रही थी, वोल्टेज कम होने की शिकायतें थी, ट्रिपिंग होने की शिकायतें थी, वो दूर हो जाएंगी और लगभग 8 से 9 लाख की पॉपुलेशन को, जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा। ये जो विद्युत केंद्र है 40 करोड़ रुपए के खर्च से बनने वाला है और एक साल के अंदर ये बनकर के तैयार हो जाएगा और जनता को सेवा देने लगेगा। चुनाव के पहले तैयार हो जाएगा? चुनाव के पहले तो नहीं हो पाएगा, हम लोग चुनाव के दृष्टि से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आधा बन जाएगा और ये निश्चित है कि चुनाव जैसे ही पूरा होगा वैसे ही इसका बिजली मिलने लगी। लगातार आप लोगों से लिस्ट मांगते हैं नए पावर प्लांट का, तो आप लोग जारी क्यों नहीं कर देते? अखिलेश जी ने अगर अपने अधिकारियों से वही लिस्ट जब वो मुख्यमंत्री थे तब अगर मांगी होती तो आज हमारे राज्य में बिजली की कमी नहीं होती। जो जिस पार्टी की सरकार 25 साल तक किसी राज्य में शासन करे, जिस परिवार से चार चार मुख्यमंत्री रहे, जो व्यक्ति खुद 5 साल मुख्यमंत्री रहे, वो अगर दूसरे को कहता है, जिसको अभी मात्र 6 साल हुआ है, अगर दूसरे को कहता है कि आपने पावर प्लांट नहीं बनवाए, तो ये बहुत शर्मजनक बात है। सच बात तो ये है कि उनके समय में समाजवादी पार्टी के शासन में उनके चार चार बार उनकी सरकारों में सही दिशा में काम नहीं हुआ, उसी का परिणाम है कि आज भी उत्तर प्रदेश विद्युत के संकट से उबर नहीं पा रहा है। लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम सब विद्युत के संकट से उत्तर प्रदेश को बहुत जल्दी ही निकालने की पूरी दिशा में हम चल रहे हैं। जैसा मैंने बताया, उत्पादन क्षमता को दोगुनी करने का, हमारी जो ट्रांसमिशन की क्षमता है, पावर की क्षमता है, उसको कई आज जो सब स्टेशन का शिलान्यास हुआ उस प्रक्रिया का अंग है। तो हर तरफ, चाहे बड़ा सब स्टेशन हो, चाहे पारेषण का हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का हो, हर तरफ काम हो रहा है। और अखिलेश जी को मैं आश्वस्त करता हूं कि जो काम आप नहीं कर पाए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके यूपी की जनता को दिखाएगी। और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है, ऐसे आदमी एक शर्मा जी रायबरेली की इस पवित्र भूमि, हमेशा इस क्षेत्र की चिंता करने वाले और विधानसभा के अंदर मध्ये परमाशनाय नमः। मात्र एक मिनट के मां पृथ्वी को प्रणाम करें, निवेदन करें, हे मां मैं इस मंगल वेला में मुझे पूजन करने का जो परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ओम आधार भूता।